दोस्तों, दिस इज भावना पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोफिलिक भावना पुरी। सो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 11 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम किस चीज के बारे में डील करते हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दोस्तों, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूज क्या है वो बता देती हूँ। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको यूज किया जाता है डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, टू सेपरेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, टू सेपरेट और आइसोलेट भी लिखा हुआ है डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, जो आइसोलेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम किसमें किसी जेल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जिस जेल को यूज किया जाता है उसका नाम है अगार जेल या फिर एग्रोज जेल। तो जो अगार जेल है, जो एग्रोज जेल है, उसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड्स। एक्चुअल में आप देखोगे तो जो कुछ एल्गी होती है, जैसे कि आपने शायद नाम भी सुना होगा, तो जेरिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये कुछ ऐसी एल्गी है, ग्रेसिलेरिया, ये कुछ ऐसी एल्गी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अगार जेल यानी कि एगरोस जेल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, बट अभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो अगार जेल हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, तो वो कहां से आता है, तो वो सी वीड से आता है और ये कुछ एल्गी है जेरिडियम एंड ब्रेसिलेरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका फायदा क्या है, इस जेल का यूज करके हम कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सीविंग इफेक्ट होता है, छन्नी जैसा इफेक्ट होता है ना। तो मान लीजिए हमें डीएनए का सैंपल मिला है, ये जो डीएनए का सैंपल है या तो आपको किसी इंसिडेंट से मिला है, कोई मर्डर केस हो, कोई रेप केस हो, या फिर कई बार डिस्प्यूट के भी केसेस होते हैं, तो जो डीएनए सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है उस डीएनए सैंपल को हम जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स है या फ्रेगमेंट्स है बेसिकली उसको और भी छोटा हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा बच्चे, देखिए हम एक ट्रे लेते हैं जिसको हमने एक ऐसे मीडियम में रखा है जो कि बफर सॉल्यूशन को कैरी करता है, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि उसके पास फास्फोरस ग्रुप है ना भाई, तो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमने क्या किया, एक ट्रे ली, इस ट्रे के अंदर हमने कुछ वेल यानी कि कुछ छोटे छोटे से गड्ढे बनाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डीएनए का सैंपल हमारे पास है उसको स्टेन करते हैं, हम डीएनए के सैंपल को स्टेन यानी कि कलर करते हैं, कौन से स्टेन का यूज करके, इथिडियम ब्रोमाइड। तो जो केमिकल जो स्टेन हमारे पास है वो है इथिडियम ब्रोमाइड, इसको ETBR भी कहा जाता है। तो जो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन हमारे पास है, सबसे पहले हमने इसका यूज करके डीएनए के सैंपल को कलर किया। सो बेसिकली ये कौन सा कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑरेंज। तो जो डीएनए के सैंपल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये हमने चार्ज रखा है नेगेटिव, तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड का यूज किया है, और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज एनोड को रखा है, ठीक है। तो क्योंकि जो डीएनए हम इसके अंदर सैंपल डालेंगे वो नेगेटिवली चार्ज है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ठीक है। और क्योंकि ये जो जेल है अगार जेल या एग्रोस जेल, ये सीविंग इफेक्ट देता है, छन्नी जैसा इफेक्ट देता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगी वो आसानी से सेपरेट हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, इस बफर सॉल्यूशन को जैसे ही इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, यहाँ पर आयंस के फ्लो होने की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है, सो एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप देखोगे साइज के बेसिस पर जो काफी बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन जितने भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं दे वुड रन टुवर्ड्स द एनोड। तो इस हिसाब से साइज के बेसिस पर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो कहां पर रन करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ, और इस तरीके से जो ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें नजर आएंगे हम पता लगा सकते हैं कि इस टेक्निक से हमने क्या कर लिया है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया।
सो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जिस ट्रे में आपने अगार जेल को रखा था उसमें जब आप सैंपल को डालोगे तो वो डायरेक्टली आपके वेल्स यानी कि उन गड्ढों के अंदर ही जाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही उसके अंदर हमारा डीएनए का सैंपल गया वो किस कलर का आपको नजर आएगा? ऑरेंज कलर का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक स्टेन का यूज कर रहे हो जिसका नाम है ETBR यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि ऑरेंज कलर देने के रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस कलर को आप विजुअलाइज कैसे करोगे, देखोगे कैसे? तो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है इन जो ये डीएनए के सैंपल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑरेंज कलर के बैंड्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, साइज के बेसिस पर आपने देखा डीएनए का जो सैंपल था वो सेपरेट हो चुका है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, उस जेल में से बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उस जेल में से इन फ्रेगमेंट्स को निकालोगे। तो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इल्यूशन, ELUTION, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं डीएनए के सैंपल्स को बाहर निकाल लेते हैं अपने जेल में से, ठीक है। तो बच्चे जब भी आप यूवी रेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं या हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। सो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या पढ़ा है, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाए, तो वो हमने इस टेक्निक से किया है ना। किस बेसिस पर किया, साइज के बेसिस पे किया। यस ऑब्वियसली कि जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो मेन क्वेश्चन आपसे मेडिकल में भी पूछा जाता है वो क्या है, साइज के बेसिस पर। आपने सी वीड से ऑब्टेन किया था अगार जेल को, उसके अलावा कौन सी एल्गी है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। कौन सा स्टेन आपने यूज किया था, ETBR यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड। कैसा कलर उसने दिया, ऑरेंज। इल्यूजन क्या है, अब आप क्या करोगे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको कट करके आइसोलेट करोगे, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट एंड आइसोलेटेड, कट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द सैंपल, फ्रॉम द जेल। तो फिर ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन। सो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो प्लीज आप जो उसके बाकी के पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से देखें, आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।